हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, मैं इस वक्त बनारस में आशापुर चौराहे के पास खड़ा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को आज दिखाने वाला हूँ सारनाथ मंदिर। तो चलो दोस्तों, मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि मैं सारनाथ मंदिर के बहुत ही ज्यादा करीब हूं। और उससे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि रोड पर ये देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे अच्छे चीज मिल रहे हैं। यहां पर बहुत ही अच्छी मार्केट लगती है, बुद्ध भगवान से रिलेटेड बहुत कुछ मिलता है और आपको यहाँ पर खरीदने के लिए, खाने पीने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है। आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी यहाँ पर मूर्तियां हैं, यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे चीज मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पर खरीद सकते हैं और यहाँ पर घूम सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सारनाथ मंदिर बहुत ही फेमस है। तो दोस्तों, यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं, फॉरेन कंट्री से। आप लोग देख सकते हैं कितनी ही विशाल मंदिर है अंदर। ये देखिए, यहाँ पर ये मेन गेट है सारनाथ मंदिर का। तो मैं अंदर जा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बुद्ध भगवान के बहुत ही अच्छे अच्छे फोटोज लगाए गए हैं साइड साइड में। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स लिखे गए हैं। और ये मंदिर में जाने का रास्ता है, बहुत ही प्यारा दृश्य है यहाँ पर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, वो ये जगह बहुत ही फेमस जगह है ये। तो दोस्तों, अभी मैं अंदर आपको जाकर दिखाऊंगा कि मंदिर का नजारा कैसा है। तो दोस्तों, यहाँ पर कोई कुछ काम चल रहा है इस समय, इसलिए देख सकते हैं आप लोग मंदिर के ऊपर ऐसा लगाया गया है। सो दोस्तों, चलो मैं अंदर जाकर आपको दिखाता हूँ, आप वीडियो में एंड तक बने रहें। बहुत ही अच्छा प्लेस है, आपको यहाँ पर आके इतनी शांति मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को लिखा हुआ है कि मंदिर में कोई भी कैप या टोपी लगाकर अंदर जाना नहीं है आप लोगों को। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं अंदर आ चुका हूँ मेन मंदिर में। बुद्ध भगवान का बहुत ही प्यारा मूर्ति यहाँ पर रखा हुआ है। दोस्तों, आप लोग देखिए, यहाँ पर आने के बाद जो शांति मिलती है दोस्तों, बहुत ही आनंद मिलता है। यहाँ पर थोड़ा भी शोर शराबा नहीं है, यहाँ पर ऐसी शांति मिलती है। आप आकर यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं, रुक सकते हैं फैमिली के साथ। देखिए कितना ही प्यारा मूर्ति है, मूर्ति को देख कर मन में बहुत ही शांति मिलती है। देख लीजिए यहाँ पर बुद्ध भगवान का कितना ही प्यारा, कितना ही भव्य मूर्ति यहाँ पर बनाया गया है। तो दोस्तों देखो, मैं मंदिर के बाहर आ चुका हूँ, थोड़ा सा मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ। और दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर भी बुद्ध भगवान का। सो दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारा यहाँ का जगह है, बहुत ही शांति मिल रही है। और दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को कभी भी मौका मिले तो आप लोग एक बार जरूर यहाँ पर आना। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ही प्यारा नज़ारा है, कितना ही प्यारा दृश्य है। तो दोस्तों देख लो, ये वही जगह है जहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी जानकारियां लिखी हुई है उस समय की, धम्मचक्र प्रवर्तन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर।
और दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए ये सब मंदिर के आजू बाजू में कितना ही प्यारा प्यारा बुद्ध भगवान की मूर्तियां लगी हुई हैं कांच के अंदर, आप लोग देख सकते हैं। ये मंदिर मैं साइड साइड से सारा आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं, देखो कितना ही प्यारा लग रहा है। तो चलो मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ। और आप लोग यहाँ पर देखो, ये एक घेरे के अंदर बहुत ही बड़ा घंटी लटकाया गया है, इसके अंदर हम लोग जा नहीं सकते लेकिन इसको बस बाहर से हम लोग देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि उस समय में अगर किसी को कोई सूचना पहुँचानी होती है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको बजाकर सूचना पहुँचाया जाता था। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं अभी मंदिर के अंदर हूँ। और दोस्तों मैं आपको अभी इसके बाद चिड़ियाघर दिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ इस मंदिर के जस्ट पीछे ही बहुत ही अच्छा एक चिड़ियाघर बनाया गया है। तो दोस्तों मैं आपको चिड़ियाघर अभी दिखाने वाला हूं, तो चलो दोस्तों मैं आपको चिड़ियाघर दिखा देता हूं। तो देखो दोस्तों, ये मंदिर के पीछे का रास्ता है जहां से हम लोग चिड़ियाघर के अंदर जाएंगे, तो चलो मैं आपको लेकर चलता हूं। ये देखो पीछे का दृश्य है मंदिर के। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर चिड़ियाघर के अंदर जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है, तो 10 रुपए का टिकट मिलता है, एक पर्सन का 10 रुपया। और अगर कोई फॉरेन कंट्री से आता है तो उसका चार्ज अलग है। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे भारतीय व्यक्ति के लिए कितना रुपया है और विदेशी के लिए कितना रुपया है। दोस्तों देखो, फाइनली मैं चिड़ियाघर के अंदर एंट्री कर चुका हूं और मैं अभी जा रहा हूं रास्ते में। देखो यहां पर दिया हुआ है इसके अंदर क्या क्या है, तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कितना ही प्यारा बनाया हुआ है ये। ये देखिए कछुआ बनाया हुआ है, जो आप लोगों को दूर से देख के थोड़ा समझ में आ सकता है, देख सकते हैं आप लोग, ये देखो। और पीछे कोई व्यक्ति बनाया गया है जो हाथ ऐसे ऊपर करके खड़ा है, देख सकते हैं आप। दोस्तों बहुत ही प्यारा दृश्य, बहुत ही प्यारा प्लेस है यहाँ पर, देखिए आप बाजू में यहाँ पर पार्किंग भी है और बहुत ही अच्छा आप लोगों को बैठने के लिए, उठने के लिए, आप लोग देख सकते हैं कितना ही प्यारा नजारा दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए क्या है, मुझे नहीं पता, बस मैंने वीडियो ले लिया यहाँ का और मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये चिड़ियाघर देखिए दिख रहा है ऊपर से, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ पास में जाकर, तो ये आप लोग देख सकते हैं। देखो इसके अंदर अभी आप लोग को अच्छे से नहीं दिखेगा लेकिन आगे मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा बहुत अच्छे से दिखेगा। ये देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चलते चलते यहाँ पर एक आपको देखो अजीब बड़ा शुतुरमुर्ग दिखाने वाला हूँ। ये देखो एक आदमी इसके अंदर फंस चुका है तो वो निकल नहीं पा रहा है, तो मैं मजाक कर रहा था, वो जानवरों को खाना खिलाने के लिए अंदर गया हुआ है। देखो खाना दिया है उन लोग को, खा रहे हैं, और इसके अंदर जाना सख्त मना है, और मना नहीं भी रहा था तो कोई अंदर नहीं जाता। देखिए बंद कर दिए, अभी बाहर आ गए। तो ये देखो कुछ जानकारियाँ यहाँ पर लिखी हुई है दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर आए तो आनंद लें इस प्लेस का, बहुत ही प्यारा प्लेस है, बहुत ही मस्त यहाँ का लोकेशन बहुत अच्छा है, आप लोग जरूर आकर देखें। देखिए क्या है, बहुत बड़ा, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना ही प्यारा लग रहा है। चलो मैं आपको आगे दिखाता हूँ।
दोस्तों देखो यहाँ पर पानी में मगरमच्छ है और आपको देखकर लग रहा होगा कि यह बस एक मतलब यह असली नहीं आप लोगों को लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह बिल्कुल असली है और यह इस तरीके से सोया है कि पता भी नहीं चल रहा है कि असली है। ये देखो दोस्तों बहुत ही खतरनाक जानवर मैं आपको दिखाने वाला, अभी ये देखो यहाँ पर देखो कितना ही प्यारा लग रहा है। और ये ऐसा जानवर है दोस्तों कि अगर इसको थोड़ा भी अपने आप को खतरा महसूस होगा तो देख रहे हैं आप लोगों को काटे काटे जैसा दिख रहा है उसके शरीर पे, ये सारे कांटों से अपना शरीर ढक लेते हैं। देखो थोड़ा सा ये मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा करते हैं, लेकिन पूरा तो नहीं ढकेंगे क्योंकि इन लोग को इस वक्त कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा है, बट आप लोग थोड़ा सा देखना जरूर, इसमें दिखेगा आपको कि किस तरीके से ये लोग अपने शरीर को कवर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ये देखो कुछ इस तरह से कर देते हैं ये अपने शरीर को। सो दोस्तों आज मैं आपको कुछ बर्ड्स को दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे बर्ड्स हैं, पैरट है और बहुत ही बहुत सारे प्रजाति के यहाँ पर बर्ड्स हैं, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। काट ले रही गाना। सो दोस्तों मैं आपको मंदिर दिखा दिया हूँ और चिड़ियाघर दिखा दिया हूँ और एक लास्ट चीज बचा हुआ है जो कि है सारनाथ का स्तूप, जो कि बहुत ही फेमस है और बहुत ही अच्छा प्लेस है। वहाँ पे पहले जमाने के अंदर से खुदाई के वक्त जो निकला था वहाँ पे बहुत सारे अवशेष निकले हुए थे, मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो चलो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले टिकट लेना पड़ेगा जिसका रेट है 10 रुपया और सिर्फ इंडिया वालों के लिए, और बाहर देश के लिए अलग अलग चार्जेस हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने टिकट ले लिया है, तो चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यही वो जगह है जहाँ पर बुद्ध भगवान के बहुत सारे अवशेष पाए गए थे, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा मैं दूर से आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पर बाहर बाहर से लोग आते हैं, दूसरे कंट्री के लोग यहाँ पर, देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये बाहर देश के लोग हैं जो अपना कुछ कर रहे हैं, इनका जो भी होता रहेगा आप तो यही लोग जानेंगे क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों चलो मैं आपको और आगे दिखाता हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितना ही प्यारा गार्डन है, कितना ही प्यारा दृश्य है यहाँ का, तो आप लोग देख सकते हैं। कितना प्यारा सीन है देखो।
दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि उस जमाने का ये सारा कुछ अवशेष नीचे से जमीन के अंदर से निकले हुए हैं, जो कि सब कुछ बुद्ध भगवान के चिन्हों को दर्शाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही साफ सुथरे से रखा गया, और इस पर बैठना सख्त मना है, इस पर हम लोग नहीं बैठ सकते क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो भगवान के समय का है, वो अंदर से अवशेष निकले हुए हैं, तो इसको बहुत ही संभाल कर रखा गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना ही सुरक्षित इसको रखा गया है, कितना ही साफ सुथरा इसको रखा गया है। और यहाँ पर बहुत ही अलग अलग जगह से लोग आते हैं क्योंकि ये बहुत ही फेमस है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, लोग अलग अलग जगहों से आकर अपना जो भी यहाँ पर मान्यता रखते हैं वो सब कुछ यहाँ पर करते हैं। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितना ही प्यारा दृश्य है यहाँ का। दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही दूर में ये सब फैला हुआ है, और यहाँ पर बैठने उठने के लिए पार्क बनाया गया है, और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो आप लोग, सो दोस्तों देख लो ये वही उस स्तूप है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। पहले दोस्तों अंदर जाना अलाउड था, लेकिन अभी किसी काम की वजह से यहाँ पर अंदर जाना अलाउड नहीं है, तो आप लोग बाहर से ही देख लो। और ये देखो बहुत ही प्यारा गार्डन है, और देख सकते हैं आप लोग कितना ही दूरी में फैला हुआ है पूरा सुनहरा दृश्य। आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे अवशेष उस समय के खुदाई से निकले हैं। सो दोस्तों मैं आपको सारनाथ का प्लेस, चिड़ियाघर और स्तूप बहुत ही अच्छे से बता दिया हूँ। सो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मैं भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम घूमने आया हूँ, मुझे जितनी जानकारी मिली मैं आप लोगों को सब कुछ बता दिया हूँ। और दोस्तों ये प्लेस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है, अगर आप लोग बनारस में आते हैं तो इस प्लेस को जरूर विजिट करें। सो दोस्तों जितनी जानकारी मुझे मिली थी मैंने आप लोगों को बता दिया है, और दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है, बहुत ही मजा आ रहा था यहाँ पर घूम के। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग बनारस में आए तो इस प्लेस को जरूर विजिट करें, बहुत ही अच्छा प्लेस है। सो दोस्तों चैनल पर बने रहें, इसके आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो आएगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आएगी। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। सो दोस्तों वीडियो में मैं आप लोगों को टिकट का रेट गलत बता दिया था, तो मैं आपको बता दूं कि टिकट का रेट है 25 रुपया और 5 रुपया है म्यूजियम का रेट। सॉरी फॉर दैट।